हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी एक्सीडेंट या क्रैश की वीडियो या फोटो है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज सकते हैं एंड सेफर का फॉर इंडिया मशीन से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडी की लिंक मिल जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सीडेंट ऑफ टाटा अल्ट्रोज, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है और इंडिया की और अपने सेगमेंट की मोस्ट सेफेस्ट कार है। इसको ग्लोबल एनकेओ के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और रियल लाइफ क्रैशेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। VW पोलो, ह्यूंडा i20 और बलिनो जैसी गाड़ियों से कम्पीट करती है अपने सेगमेंट में। इसके अलावा इस गाड़ी की सेल्स की बात करूँ तो सेल्स अच्छी खासी होती है, लेकिन उतनी नहीं जो इसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की होती है। इस सेगमेंट की कार मारुति सुजुकी बलिनो हमेशा फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर आती है सेल्स के मामले में, जबकि वो फीचर्स और लुक्स के मामले में लैक करती है अपने कंपेटिटर्स के सामने। लेकिन वो कार फ्यूल एफिशिएंसी और रीसेल वैल्यू ज़्यादा देती है, जिस वजह से लोग उसको पसंद करते हैं और लोग बिना कुछ सोचे समझे वो कार को जाके परचेज कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं है, उनको सिर्फ वो 1 या 2 किलोमीटर की ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दिखती है। एंड गाइस, बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़्यादा मायने रखती है मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ और आज की वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन डबल वे रोड था। ऑल्ट्रोज जो है नॉर्मल स्पीड पे जा रही थी 40-50, तभी बगल वाली रोड से एक 60-70 की स्पीड में पिकअप ट्रक आता है जो कि पूरा पत्थरों से लोडेड था। डिवाइडर को जंप करके सीधा अल्ट्रोज को जाके हिट कर देता है, उसके बाद अनकंट्रोल होकर पलट भी जाता है। अल्ट्रोज में आप डैमेज देख सकते हैं, दोनों गेट डैमेज हो चुके हैं हैवीली, उसके बाद रियर फेंडर में भी डैमेज आया और बम्पर में भी डैमेज आया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कार का पिलर्स एकदम इंटैक्ट रहता है, जिन वजह से पैसेंजर माइनर इंजरीज के साथ बाहर आते हैं। एंड इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो पिकअप ट्रक था वो कार को भेड़ने के बाद पलट जाता है पीछे जाके। ट्रक पूरा पत्थरों से लोडेड था और इतना भारी ट्रक और इतनी स्पीड में जब भिड़ता है उसके बावजूद भी टाटा अल्ट्रोज ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और अपने 5 स्टार की रेटिंग को जस्टिस भी करा है। इसके अलावा मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी को प्रायोरिटी रखो, ना कि फ्यूल एफिशिएंसी और रीसेल वैल्यू जैसी चीज़ों को। गाड़ी को बेचने से पहले गाड़ी खरीदने की सोचो, और फ्यूल एफिशिएंसी और रीसेल वैल्यू जैसी चीज़ें आपकी जान नहीं बचाने वाली, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी बचाने वाली है। इसलिए एक सेफ कार को प्रायोरिटी दो। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी भी उनकी बातों में मत आना जो कंपनी क्लेम करती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कंपनी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करती है, वो सिर्फ अच्छाई ही करती है। वो आपको क्रम्पल जोन और हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ों का चूना लगा देती है, और जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो उस गाड़ी की तरफ और उस गाड़ी को जाके परचेज कर लेते हो, और बाद में आप उसी चीज़ को लेके पछतावा भी हो सकता है। इसलिए गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, गाड़ी को खुद जज करिए और देखिए, कभी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कंपनी के जो क्लेम करती है उनकी बातों में ना आए तो ही बढ़िया होगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक